लेखक के गांव में आम की जब फसल होती है तो कभी कभी बहुत आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर वो लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली हवा कौनने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी और वह चिल्ला उठे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा रुकी नहीं और भी तेज हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे बिच्छू उन्होंने देखे, जिससे वो डर जाते हैं। और हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गई। बुढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। उन्होंने चिढ़ाकर उसे बैजू को ये कहा कि आप तो करेला जैसे हो। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर के यही चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वे लोग तिवारी जी से सीधे पाठशाला में मिलने चले गए, वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे। इधर जो ही वह लोग घर जाते हैं, यूं ही गुरुजी के सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। बैजू तो 9-2-11 हो जाता है और वो पकड़े जाते हैं। बाबूजी ने यह सब सुना और वह दौड़े हुए पाठशाला में आते हैं। गोद में उठाकर हमें पुचकारते और फुसलाते हैं। लेकिन हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारी साथे लड़कों का झुंड मिला और जोर से नाचते गाते, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई बपुआ ना खेल अब जुआ, इस प्रकार से गाना गाने लगे और फिर हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। लेखक के गांव में जब आम की फसल आती है और कभी कभी आंधी आ जाती है, आकाश काले बादलों से ढक जाता है, मेघ गरजने लग जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लग जाती है, तब लेखक चिल्लाते हैं, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा रुकती नहीं है, मगर वर्षा थम गई थी। वर्षा बंद होते ही बाग में बिच्छू नजर आए और उन्हें डर लगा। उनके साथ में बैजू, साथ में था एक लड़का जिसका नाम था बैजू। रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल जाते हैं और उन्हें चिढ़ा करके वह लोग गाते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इससे वह चिढ़ जाता है और जब उन लोगों को नहीं मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए और वहाँ से बैजू को पकड़ कर लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे। जो ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया और हम पकड़े गए। पिताजी फिर हमें वहां से छुड़वा करके ले आए। लेकिन हम दुलार पुचकार से मानने वाले नहीं थे। रोते रोते पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया और पिताजी हमें चुपचाप करके ले आए। जैसे ही हमें घर लाते ही रास्ते में साथी लड़कों का झुंड फिर से मिल गया और जोर से नाचने गाने लगे, माई पकाई घर घर पुआ, हम खाई पुआ ना खेल अब जुआ, और इस तरह से हम रोना धोना भूल गए। लेखक कहता है कि हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कुछ दूर पर बाबूजी और गांव के आदमी खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और हंसकर कहते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। थोड़ी देर में वो एक टीले पर जाकर के चूहों के बिल में पानी डालने लग जाते हैं और तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आता है और सांप से डरकर वह रोते चिल्लाते हुए भागते हैं। कोई उल्टा गिर जाता है, कोई सीधा गिरता है, किसी का सिर फूट जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं और सब गिरते पड़ते भागते हैं। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो जाते हैं
और सब एक सुर में दौड़े हुए आए घर में घुस जाते हैं। बाबूजी की बैठक में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने उन्हें पुकारा, लेकिन उन्होंने अनसुनी करके मैया के पास ही वो चले जाते हैं, जाकर उनकी गोद में शरण लेते हैं। मैया चावल अमनैया कर रही थी, यानी चावल बीन रही थी, और वह जाकर के माँ के आंचल में छुप जाते हैं। और कांपते हुए मैया भी जोर से रोने लग जाती है, सब काम छोड़ देती है और पूछती है कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो, और अपनी गोद में लेकर के उन्हें चूम लेती है। झटपट हल्दी पीसकर घावों पर लगाई जाती है। घर में कोहराम मच जाता है और हम केवल धीमे स्वर से सा 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 करते हुए मैया के आंचल में छुप जाते थे। सारा शरीर उनका थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी, यानी कि पिता से कितना भी प्यार था, लेकिन माँ के आंचल में छुप करके उन्हें जो शांति मिल रही थी वह और कहीं भी नहीं मिली थी।